तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरा और एक न्यू वीडियो में। तो आज हम खेलने वाले हैं ओरिजिनल TCG कार्ड शॉप सिमुलेटर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कुछ दिन पहले एक गेम आया था जो बहुत हद तक बोल सकते हो PC जैसा था, लेकिन पता नहीं बाद में वो वाला प्ले स्टोर से हट चुका है। और ये वाला गेम में बहुत सारा भाई दिक्कत भी था, जैसे इम्प्लॉय नहीं था, ओरिजिनल कैश रजिस्टर्ड नहीं था। लेकिन अभी जो गेम खेलने जा रहा हूँ भाई, उसमें सब कुछ है। बोल सकते हो PC वाला वर्सन एंड्रॉयड में रिलीज हो चुका है, इम्प्लॉय भी है, ओरिजिनल कैश रजिस्टर्ड भी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को चालू कर। और वीडियो चालू करने से पहले तुम लोग जानते होगे, वीडियो को जितना हो सके लाइक करना और चैनल में नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो लेट्स गो। तो ऑल राइट यार, वेलकम टू माय TCG शॉप। और देख सकते हो कितना प्यारा सा सिटी है, एकदम भाई PC वाला ही फीलिंग है। और ये हम लोग का भाई TCG कार्ड शॉप। हम ऑफलाइन थोड़ा सा ग्रैंड कर रहे थे भाई, गेम खेल के देख रहे थे, बहुत ही ज्यादा प्यारा है और एकदम बोल सकते हो ओरिजिनल गेम है। यहां पर देख सकते हो मेरे पास अभी चार सेल बोल सकते हो, और यहाँ पर एक कार्ड टेबल भी है। और यहाँ पर हम लोग तीन टेबल परचेस किए थे देख सकते हो। और मुझे भाई अभी कार्ड वगैरह और भी कुछ परचेस करना है, जैसे मेरे पास कुछ इपिक कार्ड है और यहाँ पर कुछ भाई नॉर्मल बेसिक कार्ड है, और यहाँ पर जो कार्ड कवर है, यहाँ पर बेसिक कार्ड का भाई जो पैक आता है वो है। ठीक है, तो अभी जल्दी से हम लोग काम करते हैं, अपना जो शॉप है उसको ओपन करते हैं। ऑल राइट, हम लोग शॉप अपना ओपन कर चुके हैं और अभी जाएंगे अपने मोबाइल में, और मोबाइल में जाके आप लोग को दिखाएंगे इसमें क्या क्या है। तो पहले हम लोग अगर शॉप में जाएंगे तो देख सकते हो भाई, ये सब जो कार्ड वगैरह रहता है, ये सब कार्ड वगैरह बहुत सारा कार्ड है भाई, इपिक कार्ड है, रेयर कार्ड है, बहुत सारा बढ़िया बढ़िया कार्ड है जो हम लोग बाद में अनलॉक करेंगे। और एक्सेसरीज में जाएंगे तो एक्सेसरीज बहुत सारा है, स्प्रे वगैरह है, उसके बाद कार्ड का जो कवर आता है, उसके बाद जो देख सकते हो बहुत सारा आइटम है जो भाई रियल वाला TCG कार्ड शॉप में आता है। ठीक है, और फिगर में जाएंगे ये सब भाई नॉर्मली रहता ही है। और जो मेन हम लोग को दिखाना है आप लोगों को वो है रिक्रूटमेंट। यस दोस्तों, गो टू रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कैशियर वगैरह है, स्टॉकर वगैरह है, बहुत सारा है, लेकिन भाई लेवल वाइज अनलॉक होगा। आपका स्टोर लेवल जितना बढ़ेगा उतना लेवल वाइज अनलॉक होते रहेगा। तो फाइनली देख सकते हो हम लोग का कस्टमर आना चालू हो चुका है, और कस्टमर फाइनली आ भी चुका है। जो मेन चीज इस गेम का वो है भाई हम लोग का कैश रजिस्टर। तो जल्दी से इसको स्कैन कर लेते हैं। और सर जी भाई कार्ड पेमेंट किया है, और इस वाला कार्ड पेमेंट भी देख सकते हो एकदम PC जैसा ही है। और $50 ओके, 50 ओके, थैंक यू सर, आइएगा फिर। ओके देख सकते हो बहुत सारा कार्ड लिया है यार, जल्दी से इसको स्कैन कर लेते हैं। और इसके साथ स्प्रे भी लिया है, तो वो भी कार्ड पेमेंट करेगा भाई। मेरा हिसाब से कार्ड पेमेंट ना सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, 37.86। ऑल राइट, थैंक यू, आइएगा सर। और मैडम जी ने देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा कार्ड लिया है यार। भाई मैडम जी कहाँ बेचोगे क्या इस इतना कार्ड। ओके फाइनली, तो देख सकते हो आप लोग का भाई रियल वाला कैश रजिस्टर जो भाई PC में है, रियल वाला गेम में। तो फाइनली रियल वाला कैश रजिस्टर भी इसमें है, तो अभी हमको छुट्टा देने का जरूरत नहीं है, थैंक यू। और एक सर आ चुका है, लेकिन एक स्प्रे लिया है खाली, चलो इसको भी दे देते हैं। और सर जी ने कार्ड पेमेंट करेगा क्या? नहीं भाई, कैश पेमेंट करेगा, और $3 हमको रिटर्न करना पड़ेगा। ओके 1 2 3 3, ऑल राइट, थैंक यू सर, आइएगा फिर। यह सब निकलते हैं, तो कुछ ऑर्डर आपको करना होगा, लेकिन मेरे पास अभी ज़्यादा पैसा नहीं है यार, और $314 है। तो एक काम करेंगे भाई, कुछ कार्ड ना अनलॉक करके देखेंगे, ठीक है, मतलब भाई अनपैक करके देखेंगे, कार्ड में अगर कोई रेयर कार्ड मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये इपिक कार्ड पैक है। तो चलो भाई इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। ऑल राइट, और लेट्स गो, देखते हैं यार कौन सा कार्ड निकलने वाला है। चलो एक, अरे यार बेकार कार्ड निकला यार, ये भी बेकार भाई, सब बेकार कार्ड ही आ रहा है देख सकते हो। तो यार कोई भी कार्ड में अच्छा वैल्यू नहीं है यार। इपिक कार्ड पैक हम खोले हैं, लेकिन भाई इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, आप लोग देख सकते हो यार, बैड लग यार। दूसरा कार्ड आप पैक खोलते देखते भाई, इसमें कुछ तो मिल जाए यार, कुछ तो मिल जाए भाई अच्छा सा कोई कार्ड। नहीं यार बेकार, एकदम बेकार, $1.38 एक मिला है, और बाकी जो है देख सकते हो यार एकदम ही बेकार है यार, कोई भी कार्ड में भाई वैल्यू नहीं है यार। देखो टोटल कार्ड का 3.41 वैल्यू। ओके नेक्स्ट कार्ड देखते जाओ, चलो भाई जल्दी इसको देखते हैं भाई, इसमें तो कुछ मिल जा। ओके 0.3 भाई, एकदम ही बेकार है यार, एकदम बेकार है, सब बेकार है भाई, नसीब बहुत ही खराब है यार, देख सकते हैं यार कोई कार्ड में भाई अच्छा वैल्यू नहीं आ रहा है। तो दूसरा कार्ड पैक खोलते हैं, देखते भाई इसमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ तो मिल जाए यार, कोई तो अच्छा कार्ड मिल जाए। तो मेरे पास ओके $3.01 की एक कार्ड मिला है, और ये भी एक कार्ड अच्छा मिला है $3.43, लेकिन तभी वैल्यू बहुत ही कम है। और इपिक कार्ड में भाई एक भाई अच्छा कार्ड मिल जाए कम से कम $30-40 का, तो भाई हम लोग अपने एल्बम में भाई सजा कर रखेंगे, अपना कलेक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन भाई मिल नहीं रहा ना, दिक्कत यही है। चलो भाई इसको आप खोलते हैं। ओके पहले ही भाई नल्ला कार्ड, क्या ही बताया यार, 0.18 भाई, 0.25 भाई, सब जीरो वैल्यू है यार, क्या ही बताया यार। देखो यार कितना ज़्यादा कार्ड हम खोल चुके हैं, सबका भाई जीरो वैल्यू आ रहा है। ओके चलो इसको लास्ट खोलते हैं, देखते हैं भाई इसमें है कि नहीं, कुछ तो मिल जाए। देखो यार
पहली नल्ला कार्ड, लेकिन ये वाला $3.25 है। चलो ये थोड़ा सा भाई बेहतर है, ओके $2.98 थोड़ा सा बेहतर है, $3.33 नाइस है, इसमें थोड़ा बेहतर हमको मिल रहा है, लेकिन वापिस से नल्ला कार्ड चालू है। तो देख सकते हो यार, ओके ऑल राइट यार, देख सकते हो $17.45 का हमको कार्ड मिला है, जो भाई बोल सकते हो एक इपिक कार्ड है, मस्त कार्ड है। चलो नाइस यार, चलो फाइनली एक कार्ड तो मिला, ओके $17 है भाई। चलो फाइनल तो मेरा शॉप में बहुत ज़्यादा कस्टमर के रस आ चुका है, जल्दी से जाते हैं बिलिंग काउंटर में और जल्दी से लोग को बिल कर देते हैं। चलो हेलो सर जी, कितना होगा आपका गैस पेमेंट होगा? ओके ऑल राइट, $2 रिटर्न करना होगा, 1-2 थैंक यू, आइएगा सर, आइए सर, आप कितना कार्ड लिए? ओ भाई इपिक कार्ड लिया भाई सब, ओ नाइस यार, तो जल्दी से कार्ड पेमेंट कर लेते हैं, सर का हुआ $50, ओके नाइस थैंक यू, आइएगा फिर। ओ भाई साहब बहुत सारे इपिक कार्ड भी लिए और बेसिक कार्ड भी लिए, चलो ठीक है कार्ड पेमेंट होगा। कार्ड पेमेंट सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है यार, क्योंकि कैश में बहुत ज़्यादा छुट्टा देना पड़ता है, दिक्कत है ये। ओ भाई सब इपिक कार्ड सेल हो रहा है यार, लेकिन बेसिक कार्ड ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है, तो मुझे प्राइस थोड़ा देखना होगा। ओके छुट्टा देने का जरूरत नहीं है, ओके आइए सर। और ये वाला भाई कार्ड पैक लिया है बड़ा वाला भाई, बेसिक कार्ड पैक लिया है शायद, इपिक कार्ड पैक अभी तक ओपन नहीं किया हम, ओके थैंक यू। तो मेरा कार्ड टेबल में अभी तक कोई खेलने नहीं आया यार, इसका थोड़ा एक काम करते हैं ना, थोड़ा इवेंट भाई क्रिएट कर देते हैं, तो अगर इवेंट रहेगा तो भाई अच्छा खासा इनकम भी होगा, तो ओके कंफर्म इवेंट कर दिए। चलो फाइनली अब शायद कस्टमर आके यहाँ पर बैठ के कार्ड खेलेगा। और मेरा एल्बम में जाओगे तो अब एल्बम देख सकते हो यार, मेरा एल्बम में सबसे ज़्यादा अभी हाई जो प्राइस है वो है $36 की, उसके बाद आता है 27, उसके बाद आता है $17 की, और उसके बाद आता है $15 की। बहुत सारा कार्ड है देख सकते हो, लेकिन भाई ज़्यादा हाई वैल्यू वाला भी नहीं है फिलहाल, 37 वाला फिलहाल मेरे पास हाई वैल्यू वाला है, जिसको हम बाद में भाई यहाँ पर एक काउंटर खरीदेंगे, जहाँ पर भाई अपना जो कार्ड का कलेक्शन है उसको सजाएंगे, तो मस्त लगेगा देखने में। वो बेचेंगे नहीं, वो अपना कलेक्शन बनाएंगे। देखो यार नल्ले को देखो यार, एक तो कार्ड लिया है, बताओ यार इतना बड़ा कार्ड का शोरूम है, $5 रिटर्न करना पड़ेगा, थैंक यू, आइएगा सर फिर। ओके यहाँ पर दो दो कस्टमर आ चुका है, तो अभी कार्ड थोड़ा कम ले रहा है, पता नहीं क्यों इपिक कार्ड, तो सर का हुआ है $5 रिटर्न करना पड़ेगा, नाइस चलो थैंक यू सर, आप आइए। ओ भाई स्प्रे नहीं लिया है भाई, एक स्प्रे लिया है, बाकी कार्ड लिया है, ओके तो चलो सर का रिटर्न करेगा $0, चलो थैंक यू सर। ओके भाई साहब देख सकते हो यार, बहुत सारा कार्ड का कवर लिया है सर ने और इपिक कार्ड भी लिया है, थैंक यू सर, ऐसा करके शॉपिंग करते रहिए। तो टोटल हुआ है 52.01, थैंक यू सर। तो फाइनली दोस्तों बहुत सारे कस्टमर को मैंने ऑलरेडी बिलिंग वगैरह कर चुके हैं, अभी हम लोग सोच रहे हैं कुछ कार्ड वगैरह मंगा लेते हैं, क्योंकि भाई इपिक कार्ड फिलहाल यही है और यहाँ पर बेसिक का जो कार्ड पैक है बड़ा वाला वो भी कम है, और नॉर्मल बेसिक कार्ड फिलहाल चल जाएगा, और यहाँ पर जो कार्ड का कवर है वो भी कम है और स्प्रे भी कम है, बहुत सारा शॉपिंग करना होगा, मेरे पास अभी $600 है। तो सबसे पहले मैडम जी को भाई बिलिंग वगैरह कर देते हैं, हेलो मैडम जी। ओ भाई साहब कितना ज़्यादा इपिक कार्ड लिया है भाई, जल्दी से बिलिंग कर देते ऑल राइट। और मैडम जी ने दिया कैश, मैडम को रिटर्न करना पड़ेगा $5, ओके नाइस थैंक यू मैडम। और अरे भाई सर आ गया, फिर सर को भी बिलिंग करना पड़ेगा भाई, कस्टमर लेकिन भाई बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, बहुत नाइस भाई, कस्टमर आना चाहिए यार, कस्टमर नहीं आएगा तो भाई बैठे रहेंगे आप लोग। तो $10 ओके ओके 1-2 ओके, और कितना देंगे? ओके $57 रिटर्न करना पड़ेगा, 57 सेंट सॉरी डॉलर नहीं, 55 1-2 ऑल राइट थैंक यू सर। और सर आपका ओके 3-4 कार्ड लिया है और एक स्प्रे लिया है सर ने, और इसको भी बिलिंग कर लेते हैं, ओके $0 चलो थैंक यू सर, छुट्टा जाने का जरूरत नहीं है। और देख सकते हो यहाँ पर कार्ड का गेम चालू हो चुका है, मैंने इवेंट क्रिएट किया था उसके बाद से कार्ड का गेम फिर से चालू हो चुका है, तो हमको इवेंट क्रिएट करना होगा। और शाम होने चला है, 5:30 बज गया है गेम का टाइम के हिसाब से, जैसे काम करते हैं लाइट ऑन कर देते हैं, ऑल राइट हम लोग लाइट ऑन कर चुके हैं। और कुछ प्रोडक्ट हम मंगा लेते हैं यार, यहाँ पर जाएंगे तो कुछ प्रोडक्ट हम लोग मंगा लेंगे। तो इपिक कार्ड पैक हम लोग अभी ओपन करेंगे, $500 लगेगा जो कार्ड पैक नहीं यार, हम इसको 2 पैकेट मंगा लेते हैं, इपिक जो सिंगल बॉक्स आता है उसको 2 बॉक्स मंगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग का जो बेसिक कार्ड पैक है ना उसको भी 2 बॉक्स मंगा लेते हैं, क्योंकि इसमें भाई इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट करके देता है। तो मेरा टोटल हो गया भाई $422, मेरे पास है $738, चलो ठीक है परचेस कर लेते हैं ऑल राइट। चलो सामान मेरा बाहर आ चुका है और काउंटर में भी कस्टमर आ चुका है, तो जल्दी से भाई काउंटर में बिलिंग वगैरह कर देते हैं। अरे यार एक कार्ड सर ऐसा क्यों यार, थोड़ा ज़्यादा करके लो यार, मुझे भी थोड़ा प्रॉफिट वगैरह हो, पर इतना बड़ा भाई हम स्टोर चला रहे हैं, तुम लोग एक कार्ड ले रहे हो यार, सही बताए यार, बहुत कंजूस किस्म का आदमी है भाई इस सिटी में। तो $8 रिटर्न करना पड़ेगा, 5-1-2-3 थैंक यू सर, आइएगा फिर। और मेरा पास भाई अभी टेबल में, मतलब भाई हम लोग को जो तो कार्ड टेबल है इसमें अभी कार्ड खत्म हो चुका है, तो इसमें हम लोग को कार्ड अभी लगाना होगा, तो मेरे पास अभी कार्ड कौन सा है यार, लोग जब मैं कार्ड देखना होगा, थोड़ा लो वैल्यू वाला कार्ड ही लगाएंगे। यहाँ पर लो वैल्यू कितना है, ओके यहाँ पर नहीं भाई $2 का कार्ड नहीं लगाएंगे, और भी लो वैल्यू वाला $1 है फिलहाल, और इससे कम कितना है, ओके इससे कम आता है हम लोग का $0.81, चलो भाई इसको ही लगा लेते हैं।
ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिए और इसका प्राइस वगैरह सेट कर देते हैं। प्राइस कितना है इसका? ओके, यहाँ पर प्राइस है मार्केट प्राइस में देखेंगे तो $81। एक काम करेंगे 10% करके राउंड कर देते, टोटल $1 हो गया। चलो भाई, एक कार्ड का $1। और कस्टमर आ चुका है, जल्दी से कस्टमर को भी रिलीज़ कर देते। ओके सर जी ने कितना ज़्यादा ई पिक कर लिया यार, तो जल्दी से भाई इसको बिलिंग कर देते। और यहाँ पर एक कार्ड पेमेंट और सर जी का हुआ है $45। थैंक यू सर, आइएगा फिर। और मैडम जी, ओ भाई साहब देख सकते यार कितना ज़्यादा सामान है यार, कार्ड पैक तो है ही, उसके साथ भाई कार्ड कवर भी लिया है। ऑल राइट, ओके, $0 रिटर्न करना पड़ेगा। थैंक यू भाई, $0 रिटर्न करना पड़ता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ए देखो देखो इस नल्ले को देखो यार, देखो भाई मैडम जी गया कितना ज़्यादा कार्ड लेके, और ये नल्ले का देखो यार एक कार्ड लिया है भाई, क्या है बताया यार। ओके, ये वाला शायद कार्ड टेबल में जो कार्ड रखे थे ना, वही कार्ड सेल हुआ है। $1 के लिए $20 हमको पकड़ा है यार, उसके लिए $19 हमको रिटर्न देना पड़ेगा। कोई मतलब है? 10, 15, 1, 2, 3, 4। ओके थैंक यू सर, आइएगा फिर। मत आइए यार, एक टो कार्ड लेके क्या क्या फ़ायदा होगा मेरा, एक टो कार्ड लेने आ रहे हो। तो फाइनली सामान आ चुका है, जल्दी से ले जाते हैं अपना भाई सेल्फ में, इसको भाई जल्दी से भाई सेल्फ में लगा देते हैं। यहाँ पर ये क्या है? अच्छा, ये वाला बेस कार्ड पैक का जो बड़ा पैकेट है वो वाला है, तो जल्दी से इसको यहाँ प्लेस कर देते। ओके, एक ही जगह में भाई 4 पीस लगेगा, और इसको भी जल्दी से हम ओके फाइनली ये वाला बॉक्स मेरा खाली हो चुका है, और डस्टबिन में जाके इसको फेंक देते हैं। ऑल राइट, और इसको जल्दी से लेते हैं। चलो इसको भी जल्दी से हम सेल में लगा देते हैं, ये भी बड़ा वाला कार्ड पैक है यार, इसको भी हम नीचे ही लगाना होगा। चलो यार इसको नीचे लगा देते हैं, 4 पीस, और ऊपर तो अभी जगह नहीं है, तो फिलहाल हम इसको यहाँ लगा देते हैं। ये वाला जो कार्ड पैक दे रहे हो ना भाई, इससे बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट होता है। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको ही मंगाते हैं, छोटा वाला जो कार्ड पैक आता है ना उसमें ज़्यादा पैसा जनरेट नहीं होता है, लेकिन इसका सेलिंग भी अच्छा है और भाई प्रॉफिट भी अच्छा खासा देता है। तो इसको जल्दी से हम लगा देते हैं। ये हम लोग का ईपिक कार्ड पैक है जो हम अनलॉक किए थे, बहुत सारा कार्ड है यार। और ईपिक कार्ड में एक कार्ड मुझे मिला है $17 का, बाद में भी हम अनजिप करके देखेंगे, दूसरा कोई अच्छा अगर कार्ड मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है। अपना कलेक्शन बनाएंगे यार, बढ़िया कार्ड का कलेक्शन बनाएंगे, हेवी कॉस्टली कॉस्टली कार्ड का कलेक्शन बनाएंगे, उसके बाद अपना शोकेस में सजा के रखेंगे, और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो चलो जल्दी से स्क्रिप्ट लगा देते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर अभी हो चुका है, और शायद हमको नीचे भी लगाना होगा, यहाँ पर और जगह नहीं है, मुझे पता था, अभी यहाँ पर लगा देते। ओके चलो, फाइनली मेरा भाई बॉक्स खाली हो चुका है, और कस्टमर वगैरह भी आ चुका है, और भाई मेरा डे खत्म का भाई भाई सिंबल भी आ चुका है, हम लोग को डे को खत्म करना पड़ेगा। तो फाइनली देख सकते मैडम जी बहुत सारा भाई कार्ड भी लिया है, उसके साथ भाई कार्ड का कवर भी लिया है। ओके, टोटल हुआ है 20.58। नाइस, थैंक यू। ओके आइए सर। ओह भाई साहब कितना ज़्यादा कार्ड लिया यार। ओके जल्दी से बिलिंग कर देते। ऑल राइट, जल्दी से हम बिलिंग कर चुके हैं, और सर जी दिया है कैश। ओके फाइनली सर जी को हम दे चुके हैं, और देखो यार ऐसा नल्ला कस्टमर मुझे नहीं चाहिए यार। देखो यार इतना बड़ा बैग लेके एक ठो कार्ड ले रहा है, क्या ही बताए यार। ओके $7 रिटर्न करना पड़ेगा, 5, 1, 6, 7, अरे नहीं 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 8 हो गया यार, रुक जाओ माइनस करते। ओके चलो, थैंक यू सर, आइएगा फिर। तो फाइनली दोस्तों आज का डे खत्म हो चुका है, देख सकते हो भाई डे एंड का ऑप्शन आ चुका है लेफ्ट साइड में, आज का दिन हो चुका है खत्म। आप लोग बोलेगा तो इसका सीरीज हम चालू करने वाले, बहुत ही प्यारा गेम है, और इसमें सब कुछ ऑप्शन है जो पीसी में है, सब कुछ इसमें कर सकते हो, रिक्रूटमेंट वगैरह, उसके बाद अपना शॉप को बड़ा करना, और भी बढ़िया बढ़िया लेजेंडरी कार्ड खरीदना, सब कुछ इसमें कर सकते हो, गेम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आप लोगों के साथ कल एक न्यू वीडियो में, तो आज के लिए गुड बाय।